दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद वे जेल से छूट गए हैं। उनकी रिहाई पर जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इसके बाद मैयर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्सव सा माहौल देखने को मिला। मैयर के घंटाघर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ बांट कर जश्न मनाया और इस सबको सत्य की जीत बताया। आज ये सिर्फ हम नहीं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हम लोग बहुत बड़ी जीत हम लोग की दर्ज हुई है। अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल से बाहर आए हैं, तसर्थ उन्हें जमानत मिली हुई है। और जो केंद्र की में बैठी मोदी की सरकार है, जिन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारे आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली का जो शराब नीति घोटाला था उसके तहत हमारे पार्टी के कई नेताओं को अंदर करके रखा था, कल का दिन वो अंतिम दिन था जिसमें दिल्ली की शराब नीति का जो है अर्थी उठ गई। अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। भाजपा सरकार की ये नीति है कि विपक्षियों को जेल में डालना है और वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त शासन करें। संविधान में प्रावधान है कि बिना विपक्ष के कोई भी सरकार चल नहीं सकती, इसलिए ये जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है ये पूरी तरह बेबुनियाद है और इसका कोई आधार नहीं है, जबरदस्ती फंसाया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।